हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और सिर्फ सोचो, एक इंसान को बीच चौराहे पे समाज के बीचों बीच नंगा अपनी टांगों से उल्टा लटकाया गया है, और फिर दो लोग आकर उसके पैरों के बीच आरी सेट करके उसे ऊपर से नीचे जिंदा काटना शुरू करते हैं। वो इंसान तब तक छटपटाता और चीखते रहता है जब तक आरी उसके पेट तक नहीं पहुंचती, और फिर उसके बाद मौत। इस सजा का नाम था डेथ बाय सॉइंग, जिसे मेडिवल एरा यूरोप में उन लोगों को दिया जाता था जो चोरी चकारी, मारकाट, दंगे फसाद, रेप या फिर किसी देशद्रोह जैसा अपराध कमिट करते थे। अब इतिहास में ऐसी सजाएं देना किसने शुरू किया था, इसके पीछे हमारे पास कोई पक्का सबूत नहीं है, लेकिन ऐसी सजा आखिर क्यों शुरू की गई थी, इसके पीछे हमारे पास रीजन जरूर है, और वो था डर और दर्द। जब किसी इंसान को उल्टा लटकाया जाता है तब उसके ब्रेन में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, मतलब जब तक मैक्सिमम ब्लड लॉस नहीं होगा तब तक वो इंसान जिंदा रहेगा और अपनी मृत्यु को अपने आंखों से होते हुए देखेगा, और वो नजारा दूसरे सभी लोग भी देखेंगे जिसे देखकर उन्हें भी भय महसूस होगा। उस अपराधी के लिए खुद के शरीर को इस तरीके से कटते हुए देख आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हो उसे कितना दर्द महसूस हो रहा होगा। और यहां पर इन सजाओं को देने वाले राजा इस तरीके से सिस्टम को कंट्रोल करते थे दर्द और डर के थ्रू। इनफैक्ट क्वाइट इंटरेस्टिंगली ये सजा यूरोप से इंडिया तक भी पहुंचा था, और इसका एक डॉक्यूमेंटेड केस भी है भाई माती दास का। ये सिख गुरु गुरु तेग बहादुर के दीवान यानी कि मिनिस्टर थे, और ये मुगल साम्राज्य के खिलाफ खड़े रहे थे, और इस्लाम में कन्वर्ट नहीं होने की वजह से मुगलों के क्रूर बादशाह औरंगजेब ने इन्हें ये सजा दिलाई थी। अब आई नो ये काफी क्रूर और दर्दनाक था, बट रियलिटी तो ये है कि इससे भी काफी ज्यादा दर्दनाक सजाएं इंसानियत ने इंसानियत को ही सबक सिखाने के लिए बनाई है। उन्हीं में से एक सजा है द चोक पियर टॉर्चर। अब इस सजा के नाम पर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि इसके नाम से कई गुना ज्यादा खतरनाक ये सजा एक्चुअल में है। इसमें एक औजार का इस्तेमाल किया जाता है जिसे इंसान के मुंह, एनस या वेजाइना किसी भी छेद में डालकर ऐसे खोल देते हैं, और जैसे ये खुलता है इंसान का वो छेद फट जाता है और नतीजन इंसान मर जाता है। इस सजा की शुरुआत हुई थी 1626 फ्रांस से, जब एक चोर गौचेर और डे पैलोली रात को एक कपल के घर में घुस जाता है। अब जाहिर सी बात है वो चोरी करने के ही मंसूबे से आया था, पर पूरे घर की तलाशी लेने के बाद उसे कुछ नहीं मिलता, और इतनी मेहनत करके जो उसे कुछ नहीं मिलता है तो वो गुस्से में आग का बबूला हो जाता है, और ऐसी हालत में लाल पीला होकर चोर कपल के पास जाता है और उन्हें धमकाता है और उनसे पूछता है कि पैसे कहाँ हैं। उन्होंने कहा कि सच्ची में उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन चोर विश्वास नहीं करता, उसे लगता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, और इसीलिए उन्हें एक दर्दनाक सजा देने के लिए उस चोर ने अपने बनाए हुए चोक पियर को कपल के मुंह में डाला और उसे खोल दिया। इस खतरनाक औजार के खुलते ही दोनों का मुंह फट गया और वो तुरंत ही मौत के हवाले हो गए, और इस चोरी से इस डिवाइस के ओरिजिन को ट्रेस किया जा सकता है। लेकिन ये दर्द का सिलसिला सिर्फ फ्रांस तक ही सीमित नहीं है, ये फैलते हुए मिडिवल यूरोप में भी पहुंचा, और इनफैक्ट ये सजा यूरोप में इतनी इनफेमस हो गई थी कि एक जमाने में तो ये सजा यहां पर दी जाने वाली सबसे कॉमन सजा हो गई थी। हालांकि इस सजा को हर गुनाहों में नहीं बल्कि कुछ गिने चुने गुनाहों में दिया जाता था, जैसे कि झूठ और धर्म के खिलाफ बोलने वाले लोगों के मुंह में, होमोसेक्सुअलिटी प्रैक्टिस करने वाले मर्दों के एनस में, और अपना बच्चा मिसकैरेज या फिर होमोसेक्सुअलिटी प्रैक्टिस करने वाली औरतों के वेजाइना में। अब आज के तारीख में ये बहुत ही वियर्ड और क्रूर लगता है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि पुराने समय में ऐसी ही क्रूर सजाएं दुनिया के हर राज्यों में दी जा रही थी। ऑब्वियसली उस टाइम पर हमारे पास डेमोक्रेसी या फिर जुडिशियल सिस्टम जैसा कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं हुआ करता था, और इसीलिए फियर के बेसिस पर सिस्टम रन किया जाता था। समाज में अगर ऐसे क्रूर पनिशमेंट्स मिलने की खबरें फैले तो लोगों में डर बैठने लगेगा, और लोग ऐसे क्रिमिनल बिहेवियर्स करने से डिटर होंगे। इवन यहाँ पर एक एम्बैरेसमेंट की भी साइकोलॉजी आ जाती है कि इतने सारे लोगों के सामने अगर आपको ऐसी घिनौनी सजा दी जा रही है तो वो पब्लिक एम्बैरेसमेंट का डर भी है जो आपको डिटर करेगा ऐसे गुनाह करने से। उस क्रिमिनल के इस ह्यूमिलिएशन को लोग जब देखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसे घिनौने काम से एसोसिएट करने लग जाते हैं, और मॉरली वो कहीं ना कहीं कन्विंस हो जाते हैं कि इसने इतना घिनौना काम किया है और इसीलिए इसे वो घिनौनी सजा मिल रही है। लेकिन लॉजिकल लेवल पर या फिर एक फेयर चांस के नजरिए से आप इसे देखोगे तो वो गुनहगार था तो आखिर एक इंसान ही, और हम सोशल एनिमल्स ही तो तय कर रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत। इसका मतलब ऑन अ डीपर लेवल जो इंसान गलत सोचता है हम उस इंसान या उस विचारधारा को ही आइसोलेट कर देते हैं। सो अगर उस तरीके से देखा जाए तो इन इनह्यूमन पनिशमेंट्स के पीछे भी साइकोलॉजिकल रिपल्स होते थे। और अब बढ़ते हैं चोक पियर से भी दो गुना ज्यादा खतरनाक और चार गुना ज्यादा दर्दनाक सजा द ब्रेजन बुल की तरफ। वक्त था 570 से 555 BC के बीच का,
जब ग्रीस की राजधानी एथेंस में रहने वाले लोग गुनाह करने से पहले हजार बार सोचते थे, क्योंकि उन्हें यह पता था कि उनके द्वारा किए गए अपराधों की सजा उन्हें हद से ज्यादा क्रूर मिलने वाली है। एक सजा इन स्पेसिफिक जिसका नाम सुनकर लोग कांपने लगते थे, और वो सजा थी एक सांड के अंदर जिंदा भूना जाना। अब ऑफ कोर्स यहां पर किसी जिंदा बुल की बात नहीं चल रही है, बल्कि एक मेटल से बनाया हुआ बुल जिसके एक ओपनिंग से एक जिंदा इंसान को उसमें डालकर बंद कर दिया जाता था, और फिर उस बुल के नीचे आग लगा दी जाती थी। अब इस आग को लगाते ही उसके अंदर मौजूद इंसान की हालत क्या होती होगी, जरा कल्पना करिए। और एक बात बताना तो मैं भूल गया कि उस बुल के मुंह में एक ऐसा डिवाइस मौजूद होता था जो उसके अंदर चीखते हुए इंसान की आवाज को सांड के गुर्राने में बदल देता था, और वहीं से अंदर उबलते हुए इंसान का धुआं भी निकलता था, जिससे लोगों को ऐसा लगता था कि सच्ची में सांड गुर्रा रहा है। अब इस इतने खतरनाक और क्रूर डिवाइस का इन्वेंटर पेरिलोस नाम का एक व्यक्ति था, जिसने रोम के सबसे क्रूर राजाओं में से एक राजा फिलारिस के आदेश पर बनाया था। इसे बनाने के पीछे की वजह साफ थी, फिलारिस की फैंटेसीज। उसे इंसानों पर क्रूरता करना और उन्हें तड़पा तड़पा कर मारना बड़ा पसंद था, और लेजेंड्स तो ये तक कहते हैं कि इस बुल को टेस्ट करने के लिए राजा ने पेरिलोस को खुद इसके अंदर पहले डाला। एंड इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि टेलेमैचूस, जिसने राजपाट की लालच में राजा फिलारिस को मौत के घाट उतारा, उसने भी उन्हें मारने से पहले इसी बुल में तड़पाया था। और इसका मतलब इसे बनाने वाला और बनवाने वाला दोनों की मौत का जिम्मेदार ये बुल खुद है। पर यह दर्दनाक मौत की सजा देने वाला आविष्कार सिर्फ ग्रीस तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि फैलते फैलते दूसरे यूरोप के पार्ट्स तक भी पहुंचा। एंड रोमन्स और क्रिश्चियंस की इनिशियल दुश्मनी कौन नहीं जानता है, और बस इस सजा का इस्तेमाल वहां पर भी होने लगा मासूम क्रिश्चियनों के खिलाफ। इस सजा को भुगतने वाली एक फैमिली थी सेंट यूस्टस की, जिन्हें अपनी बीवी बच्चों के साथ रोमन एम्परर हेड्रियन ने इस ब्रेजन बुल के अंदर डालकर बड़ी ही बेरहमी से मारा। और कहा जाता है कि इस घटना के बाद भी कई और क्रिश्चियनों को इस बुल में डाला गया, which was really sad। और अब बात करते हैं एक रोमन इन्वेंशन की, द रोमन कैंडल। बात है रोम की, जब 13 अक्टूबर 54 से 9 जून 68 एडी तक एम्परर नीरो का राज हुआ। एक पूरा का पूरा युग बीत चुका था, लेकिन अभी तक रोमन्स और क्रिश्चियंस के बीच की दुश्मनी जारी थी। इसी दुश्मनी की आग में एक इंसान जल रहा था, जो था नीरो। दुश्मनी की आग उसके दिल में इस कदर भड़क रही थी कि नीरो उसे ठंडा करने के लिए एक बहुत ही अलग और अनोखा और क्रूर तरीका ढूंढ रहा था, जिसमें नीरो एक गार्डन पार्टी अरेंज करता है, और बस उसी पार्टी में जिंदा इंसानों को एक पोल पर बांधकर उन्हें लटकाकर लैंप पोस्ट पर जला देता है। और फिर नीरो अपने रोमन साथियों को बुलाता है, और इस दर्दनाक मंजर को नीरो के साथ पार्टी में आए सारे रोमन्स मजे से देखते हैं। इतिहास में रोमन्स की इतनी क्रूर वाक्याएं मौजूद है कि वो मजे के लिए लोगों का डिसमेंबरमेंट तक करते थे। ये ऐसा किया जाता था कि समझो किसी इंसान के दोनों हाथ पैरों को चार अलग अलग घोड़ों से बांधकर उन्हें चार अलग अलग दिशाओं में खींचा जा रहा है, तो वो इंसान कैसा दर्द एक्सपीरियंस कर रहा होगा, इसकी शायद आप कल्पना लगा सकते हो। उसका शरीर चार अलग अलग हिस्सों में फट जाता है, और उस इंसान की ऐसे ही मौत हो जाती है। इस सजा का एक डॉक्यूमेंटेड केस फ्रांस का है, जिसमें 1610 में फ्रांको रेविलैक का है, जो कि फ्रांस के राजा हेनरी IV को मारने के जुर्म में पकड़ा गया था। अब अगर हम ऐसे घिनौने सजाओं को देखेंगे, तो मोस्टली सभी सजाएं कैपिटल काइंड ऑफ पनिशमेंट, जैसे कि रेप या फिर मर्डर के जुर्म में ही दी जाती थी। हाँ, डेफिनेटली उस टाइम पर ब्लास्फेमी यानी अपने धर्म को नहीं मानना या धर्म के अगेंस्ट कुछ प्रीच करना भी एक कैपिटल पनिशमेंट माना जाता था। बट अगर हम इस रीजन को साइड में रखें और जो आज के जमाने के कैपिटल क्राइम्स हैं उनके हिसाब से इन सजाओं को कंसिडर करें, तो आपको क्या ये सजाएं वैलिड लगती है या फिर ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन लगता है? आपकी क्या राय है इस विषय में कमेंट्स में शेयर करना, और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया जानने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स एंड फ्लाई साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।